हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर जनरल पेपर पढ़ाऊंगी और ये पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने पहले वीडियो निकाल लिया था, तुलसीदास के पद। ये पांचवा पद है। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुन ज्ञानी। शो गति देत गीत सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति दस शीस अरप करी, रावण शिव पे पहलीनी। शो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरिदीनी। तुलसीदास सब भांति शकर सुख, जो चाह सिमन मेरो। तो भजू राम काम सब पूरन करे, कृपा निधि तेरो। सरदास पाते हैं कोटि मतलब नहीं, द्रव्य मतलब दया करे, सरिस मतलब समान, जतन मतलब उपाय, गीत मतलब जटायु, शबरी मतलब सबरी, सकुच मतलब सकुच सही सहित मतलब अत्यंत संकोच के साथ, अर्पी मतलब अर्पी करी मतलब अर्पण करना। प्रसंग में प्रस्तुत पद जो है विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पद में तुलसी ने राम की उदारता, दानशीलता एवं भक्त वत्सलता का गुणगान किया है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम से बढ़कर कोई दूसरा उदार नहीं है। बिना सेवा के ही कोई किसी पर द्रवीभूत नहीं होता, कृपा दृष्टि नहीं डालता, परंतु राम बिना किसी सेवा के ही दीन दुखियों पर द्रवीभूत हो जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि योग साधना वैराग और तपस्या आदि करके भी जिस गति को, मोक्ष को, जिस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते, वह गति भगवान बिना किसी दुरु साधना के ही जटायु जैसे गिद्ध, मोक्ष सबरी जैसे भिलनी को बिना किसी प्रयत्न के ही दे दिया। भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि लंका का राज्य, जिसे रावण ने शिव को अपने शिरों को अर्पण करके प्राप्त किया था, उसे विभीषण को बड़ा ही सकुचाते हुए दिया, मानो वह वैभव कोई तुच्छ चीज़ हो, इसे देने में लज्जा अनुभव हो। तुलसी स्वयं से कहते हैं, मेरे मन भगवान राम की भक्ति से इस सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। वे हर प्रकार की इच्छा पूरी कर देते हैं, अतः हे मन एक उन्हीं का ध्यान कर। अब हम आते हैं पद नंबर 6। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने जाने सुई जेही बनी आई। जो जेही कला कुशलता कह, सोई सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बह गज भारी। जो सरकरा मिले सिकता मह, बलतय न को बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी। सोई हरिपद अनुभवै, परम सुख अतिशय द्रवै द्रवय तवियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस, निशि देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। आते हैं सरदार पर। सफरी मतलब मछली, सुरसरी मतलब गंगा, सरकरा मतलब शक्कर, सिकता मतलब बालू, बिलगावे मतलब अलग करना, रसज्ञ मतलब रस को पहचानने वाली, सूक्ष्म मतलब छोटी, पिपीलिका मतलब चींटी, सकल दृश्य मतलब संपूर्ण दृश्यमान यानी चित्त वृत्ति निरोध द्वारा संसार का लय करके, द्वैत वियोगी मतलब द्वैत बुद्धि रहित यानी ज्ञानी, निर्मूल न जाही मतलब समान समूल समाप्त तो नहीं होता। प्रसंग में आते हैं प्रस्तुत पद जो है विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पद में तुलसी ने श्री राम को भक्ति के पालन की कठिनता की बात करते हुए रघुनाथ की भक्ति में भक्तों के अनुभव की बात कही है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति करने मात्र को ही सुगम है, परंतु वास्तविक रूप से उनकी भक्ति का पालन करना अत्यंत कठोर है। जो श्री राम की भक्ति करता है वही इस बात के मर्म को समझ सकता है। कहते हैं कि जिस कला में निपुण होता है उसके लिए वह आसान होता है और उसे वही करने में सुख की प्राप्ति होती है। जैसे मछली धारा के विपरीत भी तैर जाती है, परंतु उसी में बलवान हाथी बह जाता है, डूब जाता है। जैसे बालू में मिले चीनी को अलग करना सबके लिए असंभव नहीं है, परंतु छोटी सी चींटी बिना किसी विशेष चेष्टा के ही उसे पा लेती है। ठीक इसी प्रकार भगवान के चरणों का आनंद योग की साधना करने पर भी नहीं मिलता। हतन निराश योगी संसार के सभी दृश्यों का अनुभव करते करते थक कर सो जाता है, लेकिन चरणों का सुख वह व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर लेता है। जो माया और ब्रह्म के द्वंद में न फंस कर सगुण राम की उपासना करता है, मनुष्य जब तक शोक मोह भय प्रसन्नता से मुक्त होकर
तथा समय कुसमय का विचार न करके दिन रात भगवान की उपासना में लीन नहीं होता, तब तक उसके हृदय का आशंका का समाधान नहीं होता। संशय की जड़ें नहीं मिलती, वस्तुतः सरल स्वभाव के भक्तों के लिए श्री राम की साधना सरल है। संसार विरक्त माया ब्रह्म आदि के विवादों से युक्त भक्तों के लिए राम की भक्ति अत्यंत सरल है। अब पद नंबर 7, पद नंबर 7 में क्या है? कबहू के, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा तय संत स्वभाव गहूंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू शोक कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, परुष वचन अति दुस्सह श्रवण सुनि ते ही पावक न दहूंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति रहूंगो। हम लोग शब्दार्थ पाते हैं कबहू का मतलब क्या, कभी क्या, कभी हाउ मतलब मैं, यही मतलब ईश, रहनी मतलब आचरण, रहूंगो मतलब ग्रहण करूंगा, काहू मतलब शव, काहू शव मतलब किसी मनुष्य या देवता से, नेम मतलब नियम, परुष मतलब कठोर, दुसह मतलब असहनीय, दहंगो मतलब जलूंगा, विगत मान मतलब मान छोड़कर, सम्मान छोड़कर, समशीतल मन मतलब शांत चित्त का, परगुण मतलब दूसरों के गुण, परिहरी मतलब छोड़कर। प्रश्न में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद बिना पत्रिका से लिया गया है, इसमें तुलसी अपने जीवन को संत स्वभाव के अनुरूप बनाने की बात करते हैं। व्याख्या पर आते हैं, तुलसी जैसे कहते हैं कि क्या कभी मैं संत स्वभाव के अनुरूप जीवन जी पाऊंगा, अर्थात श्री राम की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा, अगर श्री राम की कृपा से ऐसा हो पाया तो मैं जितना मिलेगा उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा, और किसी से भी प्रकार की आशा नहीं करूंगा। तुलसी जी कहते हैं कि मैं दूसरों के हित की चिंता में सदैव लगा रहूंगा तथा मन क्रम वचन इन नियमों का सदनित्य पालन करूंगा। तुलसी जी कहते हैं कि हालांकि कठोर और दुरू वचन मन को जलाने वाले होते हैं, फिर भी मैं उसकी अग्नि में नहीं जलूंगा, मैं अपने अहंकार का विसर्जन करके श्रम बुद्धि बनूंगा और मन को शांत रखूंगा। तुलसी यह भी प्रण लेते हैं कि हालांकि सभी में गुण और दोष दोनों होते हैं, फिर भी दूसरों की प्रशंसा ही करूंगा, किसी की गलती नहीं निकालूंगा। तुलसी कहते हैं कि मैं शरीर जन्य सारी चिंताएं त्याग कर सुख दुख को समभाव से ग्रहण करूंगा। वे आगे श्री राम से याचना करते हैं कि हे प्रभु, क्या संत स्वभाव के साथ मैं ऐसी ही हरि भक्ति प्राप्त करता रहूंगा, अर्थात हे प्रभु मुझ पर कृपा करें जिससे मैं संत अविचल स्वभाव के अनुरूप अपना जीवन यापन कर सकूं। अब आप लोग का ही लास्ट पद है, जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम जदपि प्रेम शनेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनी तनहि भय मुद मंगलकारी, नाते ने राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँखि जेहि फूटै बहुतक कहाँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रांते प्यारे, जासो होय सने राम पद एतो मतु हमारो। शब्दार्थ कोटि मतलब करोण, कंत मतलब पति, मान्यत मतलब माने जाते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पर विनय पत्रिका से लिया गया है, इसमें तुलसी ने लोगों को त्याग देने की सलाह दी है जिन्हें श्री राम सीता प्रिय न हो, ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए तुलसी के अनुसार। व्याख्या, तुलसी राशि कहते हैं कि जिसे श्री राम और सीता प्रिय न हो वह कोटिक शत्रुओं की तरह त्याज्य है, भले वह अपना निकट संबंधी क्यों न हो। वस्तुतः भक्तों के लिए रिश्ते संबंध कोई मायने नहीं रखते हैं। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था क्योंकि हिरण्यकश्यप को भगवत भक्ति से चिढ़ थी। उसी प्रकार विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को त्याग दिया, भरत ने अपनी माता कैकेयी को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को, और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था। जो भगवत भक्ति में बाधक हैं वह त्याज्य हैं, भले वह कितना भी सगा क्यों न हो। तुलसी कहते हैं कि राम के लिए दुनिया को त्यागने वाले लोगों की स्थिति मंगल विधायक है, जितने मित्र और सेवा योग्य जन हैं वे सब राम जी के नेह नाते से सामान्य हैं।
तुलसी कहते हैं कि वह अंजन किस काम का, जिसे लगाने से आंखें ही फूट जाएं। इसे अधिक कहाँ तक कहा जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके कहाँ श्री राम के चरण कमलों में स्नेह हो, वही हर तरह से अपना परम हित ऐसी पूजनीय और प्राणप्रिय, यही हमारा मत है। विशेष प्रस्तुत पद में अनुप्रास, व्यक्तिरेक और उदाहरण अलंकार का संदर्भ नहीं हुआ है। तो आज आप लोगों का ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।